आप लोग उसके आदि नहीं होंगे जिस तरह से मैं सवाल पूछूंगी क्योंकि उनको समझ में आना जरूरी है जो जियो पॉलिटिक्स है बहुत तेजी से बदल रही है लेकिन उसके बाद भी पिछले एक साल में खासकर भारत और रूस पक्के दोस्त हैं पार्टनर्स हैं क्या की है इसका क्या राज है नमस्ते और श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन्वाइटिंग के लिए आज के प्रोग्राम के लिए पिछले समय तो हिंदी पूरी आती थी लेकिन अभी अभ्यास काम कर तो करता हूँ मेरी गलती तो ज़्यादा कोशिश करूँगा और आज अभी अ, अ, बोलने 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 की कोशिश सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत और रूस के बीच आ, जो संबंध हैं, वे ईमानदार हैं इस, इसका कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है और जो अन्य देशों के खिलाफ नहीं है हम एक दूसरे दूसरे के सच्चे शुभ चिंतक हैं पचहत्तर वर्षों के राज, राजनयिक संबंधों के दौरान हमारे बहुत ही उपलब्ध किए हैं यह है भारत में बड़े स्टील प्लांट्स जल विद्युत परमाणु ऊर्जा की संयंत्र पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा प्रौद्योगिकी का पहला आ, संस्थान मुंबई का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाजुक क्षेत्रों में जीप पारंपरिक सहयोग और संबंध हैं ये सर्वज्ञात है कि आ, वास्को गामा ने यूरोप के लिए आ, आ, भारत की कोच की थी लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि आ, 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 निकितिन, एक रूसी, उनसे तीस सालों स, से पहले भारत आए थे हथियार से नहीं आया खुले दिल से आया बहुत अच्छी बात आ, है ये मतलब वास्को डी तो यूरोप के लिए भारत की खोज की लेकिन भारत की खोज उस समय हुई नहीं थी <laughs> भारत बहुत प्राचीन है और यह भी कहना चाहता हूँ कि रूस भारत की वैदिक स्थिति को मजबूत करने का स्वागत करता है और इसकी G20 और SCO की SCO में अध्यक्ष पद की प्रायोरिटीज का समर्थन करता है हम समान और मल्टीपोलर और, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता सदस्यता का भी समर्थन करता है इस पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत रहा है इंटरनेशनल दबाव बहुत रहा है पिछले एक साल में लगभग फरवरी से अगर हम देख लें तो बहुत चैलेंजेस भी रहे हैं इंडिया रशिया की इस पार्टनरशिप इस दोस्ती के सामने ये सच्ची बात है पर रियलिटी रियलिटी ने दिखाया है कि भारत पर दबाव बनाना बेकार है हमें बताया गया है बताया गया है कि दुनिया को हमलावर रूस से बचाने की ज़रूरत है लेकिन वे ये नहीं कहते कि वो रूस ही था जो जिसने पंद्रह वर्षों तक शांति और बातचीत का आह्वान किया यूक्रेन के बारे में आखिर तक आखिर तक आह्वान किया यूक्रेन संघर्ष रूस का चयन नहीं है Uh, सुरक्षा uh, खतरे के लिए uh, वो, वो एकमात्र संभव प्रतिक्रिया है हम वही करते हैं जो हमें करना है ये मतलब है। यह स्पष्ट हो, हो, हो गया होता अगर यूरोप ने इराक पर अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ ऐसे ही स्थिति स्थिति ली जो अभी हमारे के हिला उनका पॉलिसी अनुमति की भावना है दोहरे मानकों की भावना है और भारत एक सुसंगत शांति प्रिय स्थिति लेता है रूस इस स्थिति को समझता है और इसका समर्थन करता है जैसे रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो भारत और अमेरिका की दोस्ती हो जाती है रशिया से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं प्राचीन हैं, पर आज की दुनिया में अमेरिका से है अच्छे संबंध क्या ये आपके लिए भी उतना ही ट्रिकी होता है जब इंडिया और चाइना के बीच आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं रशिया की भी इंडिया से भी दोस्ती है और चीन से भी दोस्ती है नहीं, बिल, बिल्कुल नहीं नहीं अमे, अमेरिका अमेरिका के विपरीत रूस आ, 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 जीरो सम गेम्स नहीं खेलता है चीन के खिलाफ रूस भारत के साथ दोस्ती नहीं करता और अमेरिका के खिलाफ चीन के साथ दोस्ती नहीं करता हम सभी के सभी सा, के साथ दोस्ती करना चाहते हैं आ, ये समान रूप से समान रूप से हम अमेरिका को धमाकी देते नहीं और यूक्रेन के माध्यम से हम खुद को धमाकी नहीं देंगे जैसे कि अब हो रहा है वहाँ रूस भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास कर रहा है Uh, हमारा मानना है कि भारत चीन सहयोग से, से दुनिया दुनिया को फायदा होगा अमेरिका ऐसा सोचता नहीं uh, हमारी दृश्य से क्योंकि वे uh, बराबरी बराबरी के बीच uh, प्रथम होना चाहते हैं ये मतलब पर बहुत ज्यादा प्रेशर्स क्रिएट किए गए अभी uh, इंडिया पर भी जब एनर्जी रशिया से लेने की बात आई पर इंडिया स्ट्रांगली खड़ा रहा और हमारी किसी भी तरह के रिश्ते बदले नहीं आपको लगता है कि एक मतलब लॉन्ग टाइम समबडी शुड हैव अप टू द वर्ल्ड जब एनर्जी डिमांड्स की बात आती है तब uh, मैं यही साहब बोलूं कि uh, भारतीय तेल आयात में रूसी तेल का हिस्सा 22 प्रतिशत अभी, अभी बाईस प्रतिशत से अधिक है और भारत वैध राष्ट्रीय हितों द्वारा निर, निर्देशित है जिसका विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है अपने लोगों के हितों में भारत का दृढ़ और जिम्मेदार पॉलिसी सम्मानित है और ये यही वो आधार है जिस पर हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करते हैं रशिया का जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस यूक्रेन में चल रहा है उसको लेकर भारत में चिंता है क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं एक आ, की जान भी चली गई थी आ, उस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान क्या इसका कोई अंत नहीं है क्या ये कॉन्फ्लिक्ट जिसे स्टार्टिंग में कहा गया कि एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है इसका कोई अंत आपको दिख रहा है आ, शुरू से ही आ, रूस ने यूरोप में सुरक्षा समस्या की राजनयिक समाधान Uh, की uh, uh, समाधान की uh, uh, विकालत विकालत की थी सबसे पहले सामूहिक सुरक्षा uh, गारंटी पर हमारे प्रस्तावों को uh, अस्वीकार कर दिया गया फिर यूक्रेन शांति वार्ता वार्ता से हट गया uh, हम जानते हैं कि उन्हें किसने ये सलाह यह इस सलाह दी uh, कि वह अधिकारी वाशिंगटन से देशों पर काम करते हैं uh, जो संकट को समाप्त करने में दिलचस्पी नहीं नहीं लेता है यूक्रेन पूरी, पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है पूरी तरह से हमें बताया गया कि रूस शांति नहीं चाहता है ये बिल्कुल गलत है पर यह अमेरिका जो शांति नहीं चाहता लेकिन वे उसकी विपरीत कहते हैं हम बातचीत के लिए खुले दिल से तैयार हैं मतलब आप कह रहे हैं सिर्फ दो साइड नहीं है इस वॉर में सिर्फ इट इज नॉट जस्ट यूक्रेन एंड रशिया बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं एक और आ, आरोप लगता है रूस पर ठंड का मौसम आ गया है uh, वेस्ट जो कहता है कि रशिया विंटर को वेपनाइज कर रहा है वो ठंड को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है Ukraine is dark, there is no heating key what would you like to say about this? I will speak You know, um, we, with, with the Ukrainians, we uh, not only share a common history, uh, we have a common civilizational and, and cultural roots. Essentially, we uh, uh, have been uh, one nation uh, with the Ukrainians. In different period of, period, periods of history, uh, we uh, were um, uh, uh, parts of one state. And, um, uh, and uh, today's Ukraine, in fact, uh, 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 is a multinational nation like, like Russia is. Uh, where the, the Ukrainians live, but also uh, the Russians live, the, the, the Poles, the Hungarians, um, and, and many uh, other nationalities. However, after the uh, 2014, um, Ukraine chose to uh, to play the card of uh, this uh, Ukrainian radical, new Ukrainian nationalism. Um, specifically directed uh, against, uh, against the Russians. Mm. Uh, and um, it has been an explicit, has become an explicit um, anti-Russia anti project. Uh, and uh, I must uh, uh, again say at the behest and uh, with the help of the US, uh, the worst thing that, uh, is that the provoked um, ethnic discord led to the deaths of uh, tens of thousands uh, of people in the eastern ukraine. Mm. Uh, the war over there has been going for 10 years now. not by us, okay. but, the, but by the ukrainian government against their own people. But have uh, we uh, seen anything or read anything about it in the papers? No, we don't. Uh, and uh, the Western politicians and the Western media have turned a blind eye, uh, a blind, uh, eye to, uh, to, to that for, for, for years. So, those who uh, are now talking about the, the weaponization of winter, let them first answer the questions uh, about the weaponization of those. Um, uh, you know, uh, Nazi ideology, which is a fact in Ukraine. The government has been hijacked by the, by, by, by the, radical, uh, by the radical Nazi elements. I, I'm not saying that all the, the Ukrainians are Nazis, not at all. Of course not. But the government has been hijacked by the radicals, and this is a fact. Zelensky himself was uh, elected uh, well, uh, uh, thanks to the program that. Uh, his electoral program that he would mend relations with Russia. But after he was elected, he uh, bolted faced uh, and uh, uh, continued continue on, uh, on that explicit anti Russia track. So, uh, as, of, uh, as of now, I would uh, reiterate that uh, what we do. Uh, is, uh, uh, is the targeting of those, um, of those infrastructure and uh, uh, objects that are linked to the military uh, complex and the military installations, and in no, in no cases um, uh, our uh, our strikes are directed against the civilians and the, uh, and the population. हिंदी का महामंच है तो हम इसको इसका अनुवाद भी करते चले कि एक साझा इतिहास है यूक्रेन का और रूस का और महसूस करते हैं मानवीय तौर पर उन सभी व्यक्तियों के लिए लेकिन जो पश्चिमी देशों का नेरेटिव रहा जो कि इस समय इस साल के पूरे घटनाक्रम को तो बता रहा है लेकिन 10 साल से पूर्वी यूक्रेन के लोग किस तरीके से पीड़ित रहे हैं उसके बारे में नहीं बात करता है तो वो उसके बारे में बता रहे हैं पर एम्बेडर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं दिस इज नॉट ए नीरा ऑफ वॉर क्या आप सहमत हैं इस बात से कि यह युद्ध का समय नहीं है बिल्कुल बिल्कुल आखिरकार न केवल रूस को आ, आ, स, आ, रूस को संबोधित है मोदी ने जिलेंसकी से भी सिमिलर चीज़ कहते थे आ, लेकिन किसी कारण किसी कारण से इसकी याद नहीं है और आ, मैं सोचता हूँ कि नातों को भी यही कहना चाहिए भी उन्होंने दरअसल पूरे विश्व को कहा था उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से चुना भी गया लेकिन अब भारत और रूस की जो सैन्य साझेदारी है उस पर आते हैं आ, ये हमारे जो सैन्य इतिहास है उसमें लिखित है कि जब भी किसी युद्ध के समय भारत को जरूरत पड़ी दुनिया के बाकी देशों ने भले मुंह मोड़ा हो पर रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा जब भी भारत ने कोई युद्ध लड़ा है, हर संकट के समय 2020 तक का जो आंकड़ा है वो कहता है 60 परसेंट जो हमारा हथियार और उपकरण है वो हम रूस से लेते हैं साझेदारी में चीजें बनाते हैं क्या भारत और रूस आज भी आपके हिसाब से उतने ही मजबूत डिफेंस पार्टनर्स हैं हम बहुत मजबूत डिफेंस पार्टनर्स हैं और Uh, जो उन्नीस सौ इकहत्तर में uh, जो भारतीय ऑपरेशन था uh, हम इसका समर्थन किया था ना अमेरिका ना यूरोप वे uh, उस समय भारत के विरुद्ध uh, अभी जैसे हमारे विरुद्ध चलाते थे रक्षा सहयोग हमारे रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण आधार है अनुबंधन का मात्रा बहुत बहुत बड़ी है इनमें इनमें से बहुत सरकार की पहल में कि और आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकताओं को पूरा करता है जिसमें एस यू सॉरी एम की आई लड़ाकू विमानों और थी नाइन्टी टैंक्स और अन्य अन्य क्षेत्रों का लाइसेंस प्राप्त असम्बली शामिल शामिल भी हैं रूस uh, पहला था uh, और अब तक एकमात्र देश है uh, जो भारत के साथ उन्नत उन्नत तकनीकों तकनीकों को सजा करने के लिए तैयार है इसके इसके अलावा ब्रामोस ब्रामोस सुपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन हमारे सबसे सबसे सफल संयुक्त संयुक्त उपक्रम है जो दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है एस 400 के बाद क्या आ, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्निक को भी भारत लेने वाला है रूस से uh, मैं ऐसा कहूं कि uh, हमारे, uh, हमारे सहयोग और आपसी विश्वास का uh, उच्च स्तर uh, हमें किसी भी uh, मुद्दे पर बातचीत करने की uh, आवश्यकता और अनुमति देता है <laughs> पर आपने ब्रह्मोस का जिक्र किया uh, एक बहुत सुंदर उदाहरण है वो क्या हम सीख सकते हैं उससे कुछ आगे बढ़ते हुए उसके तो नाम में भी रूस और भारत दोनों आ जाते हैं Um, in which we are in, a, in, a, in, a, in, a, in conversation with each other, mm -hmm. in dialogue. But uh, I'm, of course, not in a position to speak about them openly. Mm -hmm. uh, besides uh, besides that, we, we are very close to uh, the launch of the AK, AK uh, rifles um, uh, joint venture in India, in Uttar Pradesh. The defense corridor in Uttar Pradesh, where Kalashnikov... <laughs> Uh, है उनका उनका निर्माण उनका उत्पादन चल रहा है और बहुत विकसित स्थिति में है ये बहुत सारे ग्लोबल सैंक्शंस हैं रशिया पर क्या इससे उबरने के लिए इससे निकलने के लिए रूस भारत की ओर देख रहा है यू uh, you know, uh, एक तरफा प्रतिबंध वे अवैध है मुख्य बात है और इसलिए ये अनफेयर कंपटीशन का एक उपकरण है प्राइस फॉर इंडिपेंडेंस एंड इट वुर्स इन करेक्ट टू को Uh, these sanctions global. Mm -hmm. India, uh, um, uh, as well as the, um, the world's majority, have not joined any, uh, any kind of sanctions, uh, do not recognize them, uh, and uh, do not support them. We are working with uh, India um, uh, very closely on making our cooperation uh, independent from uh, uh, such pressure. Uh, independent from uh, the financial and uh, lo logistical infrastructure which is under under the control of uh, uh, of, uh, of, uh, of the western uh, of the western uh, uh, countries our markets are open to each other and uh, the visit of uh, the indian external affairs minister uh, shri jayashankar uh, to, to to moscow in november um,

ये क्यों तय करना चाहिए कि हम किसके साथ व्यापार कर सकते हैं और भारत को रूस के साथ व्यापार के व्यापार के प्रतिबंधों से क्यों डरना चाहिए अमेरिका और आज अमेरिका आज हमारे साथ व्यापार व्यापार को प्रतिबंधित करता है कल वो भारत के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करेगा या किसी दूसरे देश के साथ आप, आप क्या सोचते हैं कि ये असंभव है ये ये है बिकॉज हम निश्चय खुद निश्चय नहीं करते हैं। और हमें अपने आप निश्चय करना है बड़ी बात आपने की है। <laughs> लेकिन ये बताइए कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे हुई आपने मतलब सीखा है एक आ, मतलब फॉरेन सर्विस में होने के नाते हम समझते हैं कि एक फॉरेन लैंग्वेज वो वजह है या फिर आपका बचपन बीता यहाँ पे क्या रशिया इंडिया की कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं ऐसे बिल्कुल uh, bil, bil, रूस भारत की भारत की तरह एक मल्टीनेशनल uh, देश है uh, हमारी एक uh, Uh, मुझे लगता है कि हमारी हमारे एक समान मेंटेलिटी है uh, हमें आत्मा की चौराई uh, आतित्व अतिथ्य उच्च स्तर उच्च स्तर की स्पिरिचुअल और मॉरल uh, वैल्यूज़ की विशेषताएं हैं और इसके कारण हमारा पारस्परिक हित महान है अच्छा मुझे लगता है कि हम लोग बातचीत में मेहमान नवाजी बोल देंगे लेकिन उनकी क्लिष्ट हिंदी है वो आतिथ्य ही बोल रहे हैं उसमें बहुत सुंदर लेकिन से ये भी सुनने में आता है कि राज कपूर बहुत मशहूर हैं वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती अभी क्या अभी भी इंडियन फिल्म्स वहां पर उतनी देखी जाती हैं आप देखते हैं इंडियन फिल्म्स मैं कम देखता हूँ लेकिन आ, ये सही बात क्योंकि आ, आ, वे वे फिल्म सामाजिक न्याय सच्चे प्यार औ, और ईमानदार इमांदा, ईमानदार दोस्ती दोस्ती की विषयों से जुड़े हैं श्री 420 में श्री 420 से uh, मेरा जूता है जापानी मेरा जूता है जापानी आवारा से हूँ, और डिस्को डांसर से जिम जिमी बहुत बहुत हिट हि, सारे रूस में मालूम है बाय वे रूस रूसी सिनेमा के दिन आ, भारत में सफलता से बड़ी सफलता से आयोजित किए गए रिसेंटली और uh, पंचवन भारतीय फिल्म महोत्सव रूस में हो गया है uh, विभिन्न शहरों में uh, पुष्पद राइज पुष्पद राइज सहित सहित एक सौ चवालीस एक सौ चवालीस फिल्में दिखाई गई uh, दर्शकों के पूरे हॉल्स uh, लोगों का um, उत्साह हुए अच्छा। और हम इस तरह के सहयोग का विस्तार करने वाले हैं वा। बाय द वे भारतीय सिनेमा के शूटिंग के लिए आ, आ, रूस एक अद्भुत स्थान है ये तो है <laughs> और मतलब श्री 420 से लेकर पुष्पा तक अम्बेसडर आने वाले दिनों में आप भारत और रूस के संबंधों को कैसे देखते हैं? हम भविष्य में विश्वास के साथ देखते हैं रूस एक महान शक्ति है और सदा रहेगा भारत महाशक्ति बन रहा है और दुनिया में एक समान मल्टीपोलर व्यवस्था की जरूरत है Uh, जिसमें रूस और uh, भारत अपना सही स्थान ले सके तो दैट्स दैट्स द वे आई एम लुकिंग इन द फ्यूचर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए क्योंकि हमने uh, फिल्म की ही बात की थी और मुझे लगता है कि uh, सबने मेरा नाम जोकर देखी होगी और उसमें एक शब्द हमने रूसी सीखा था दस विदानिया <laughs> और दन्यवाद. उसका मतलब भी सब समझते होंगे यहाँ पर उसके साथ ही मैं अंत करती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन हम यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक कि आप पहले वहाँ पर अपना आज का जो, इस साल का जो एजेंडा है आपका आ, ये आप पेपर पे भी लिख सकते हैं और वहाँ पर एक डिजिटल स्क्रीन नया मतलब मैं वाकई मैं कॉम्प्लीमेंट uh, देना चाहूंगी कि हिंदी जानने वालों ने हिंदी में नहीं लिखा अपना संदेश और यहां हिंदी रूसी भाईचारा अमर रहे ये हिंदी में लिख रहे बहुत बहुत ही बहुत सुंदर थैंक यू सो मच एम्बेसड को अम्बेसडर को एक अतिरिक्त आभार और अतिरिक्त धन्यवाद इतने सारे क्लिष्ट हिंदी शब्दों के इस्तेमाल के लिए शायद बहुत सारे लोगों की यहाँ वोकेबलरी उससे अच्छी हो गई होगी क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने अपनी बात यहाँ पर हिंदी में रखी ज़ाहिर तौर पर काबिल तारीफ़ है और हम सब एक बार फिर से तालियों के साथ अम्बेसडर इस मंच पर आए उसका धन्यवाद करेंगे तो हमारे जो अगले मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है बॉलीवुड की शान है और इस सेशन का नाम भी हमने बॉलीवुड की शान दिया है बॉलीवुड की शान आयुष्मान खुराना जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आयुष्मान का